नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉइजी में। मैं एडवोकेट एंड लॉ लेक्चरर पंकज वाधवानी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लेने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट लीगल वर्ड्स जो फैमिली एरियाज में अर्थात फैमिली कोर्ट्स में जिनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। और ये ऐसे कानूनी शब्द हैं जो नॉर्मली चूंकि फैमिली एरियाज है तो इसलिए फैमिली में भी इसका उपयोग होता है। तो आइए हम समझते हैं लीगल वर्ड्स यूज इन दी फैमिली लॉस। तो फैमिली मैटर्स में, फैमिली कोर्ट में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख शब्द कौन से हैं? सबसे पहले तो हम ये समझें कि पारिवारिक विधि में उपयोग आने वाले कानूनी शब्द वो हैं जो फैमिली लॉ में लागू होते हैं। अब ये फैमिली लॉ होता क्या है? तो फैमिली लॉ और फैमिली कोर्ट्स, हम लोगों ने सुना है आजकल जो फैमिली के जो मैटर्स होते हैं, वो परिवार के जो मुकदमे होते हैं, पारिवारिक जो डिस्प्यूट होते हैं, वो फैमिली कोर्ट, उसके लिए कुटुंब न्यायालय की स्थापना की गई जिसको हम परिवार न्यायालय बोलते हैं। और परिवार न्यायालय फैमिली एरियाज में कौन कौन से ऐसी बातें हैं जिनका निराकरण करती है? तो मैरिज के जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, मैरिज डिवोर्स के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, एडॉप्शन गोद लेना, यदि किसी व्यक्ति को बच्चा नहीं होता वो संतानहीन पेरेंट्स गोद ले रहे हैं तो गोद लेने के जो मामले होते हैं, मेंटेनेंस, हर्जा खर्चा, यदि पति पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे रहा है या ओल्ड एज पेरेंट्स को मेंटेनेंस नहीं दे रहा है तो हर्जे खर्चे के जो मुकदमे होते हैं, बच्चों की कस्टडी के जो मुकदमे होते हैं, ये सब फैमिली कोर्ट्स में लागू होते हैं। अब उसमें कौन कौन से प्रमुख ऐसे लीगल वर्ड्स हैं जो फैमिली एरियाज में इस्तेमाल होते हैं, आइए उसको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये परमानेंट एलिमनी शब्द सुना होगा। एलिमनी, परमानेंट एलिमनी ने स्थाई भरण पोषण राशि, ये एलिमनी एक प्रकार का स्थाई भरण पोषण राशि से कहा जाता है। पेमेंट गिवन टू द वाइफ, यानी पति द्वारा पत्नी को एक पेमेंट दिया जाता है एट द टाइम ऑफ डिवोर्स। तो डिवोर्स के समय जो एकमुश्त राशि दी जाती है उसे परमानेंट एलिमनी कहा जाता है। दूसरा, एक्सपार्टी डिग्री, कई बार हम लोगों ने एक्सपार्टी डिवोर्स के बारे में सुना, एक्सपार्टी डिवोर्स हो गया। एक्सपार्टी मतलब एक पक्षीय तलाक। एक पक्षीय तलाक का मतलब होता है जब न्यायालय ने दूसरे पक्ष को नोटिस भेजा, तलाक का एक पार्टी ने केस लगाया, दूसरी पार्टी को नोटिस भेजा, नोटिस मिलने के बाद भी यदि वो पार्टी कोर्ट में प्रेजेंस नहीं होती, एब्सेंस हो जाती है, तो डिसीजन ऑफ द डिवोर्स इन एब्सेंस ऑफ वन पार्टी, यानी एक पार्टी की एब्सेंस में न्यायालय डिसीजन दे देती है उस डिग्री को, जब दूसरे पक्ष को नहीं सुना, एक ही पक्ष को सुनकर न्यायालय ने निर्णय दिया है, तो एक पार्टी डिवोर्स कहलाता है। तीसरा, गार्जियन, हम लोगों ने वर्ड सुना है गार्जियन, नॉर्मली गार्जियन को हिंदी में संरक्षक कहा जाता है। तो गार्जियन इज द पर्सन, गार्जियन एक वह व्यक्ति है जो किसी अवयस्क और विकृत चित्त मतलब पागल व्यक्ति को और बच्चे की शरीर और संपत्ति की सुरक्षा का भार जिस व्यक्ति पर होता है उसे गार्जियन बोलते हैं। तो गार्जियन इज द पर्सन हु प्रोटेक्ट्स माइनर्स एंड अनसाउंड माइंड इन देयर बॉडी एंड देयर प्रॉपर्टी। इसके बाद है जुडिशियल सेपरेशन, हम लोग कई बार सुनते हैं कि न्यायालय ने जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री दी। अभी जुडिशियल सेपरेशन क्या है? इसे न्यायिक पृथक्करण कहते हैं। न्यायिक पृथक्करण का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्डर जो न्यायालय द्वारा ऑर्डर दिया जाता है, जब पति और पत्नी शादी के बाद, आप सभी को पता है, एक साल के अंदर तलाक की डिग्री नहीं मिलती, यानी एक साल के अंदर तलाक की याचिका प्रस्तुत नहीं की जा सकती, तो ऐसी स्थिति में पति पत्नी क्या लगा सकते हैं? जुडिशियल सेपरेशन का सूट लगा सकते हैं। न्यायालय एक आदेश दे देता है पति पत्नी को टू लिव सेपरेटली, यानी दोनों पृथक पृथक निवास कर सकते हैं, दोनों में पति पत्नी का संबंध खत्म नहीं हुआ है, बस इतना है कि दोनों पृथक पृथक निवास करेंगे, इसको जुडिशियल सेपरेशन यानी न्यायिक पृथक्करण कहा जाता है। वॉइड मैरिज, कई बार हम सुनते हैं कि मैरिज इज वॉइड, तो वॉइड मैरिज होती है शून्य विवाह। शून्य विवाह मतलब ऐसा विवाह जो कानून की दृष्टि से इन आई ऑफ लॉ देयर इज नो मैरिज एट ऑल, तो कोई मैरिज नहीं हुई, कानून ने मानता है कि ऐसे विवाह का कोई अस्तित्व नहीं है लॉ के यानी कानून की नजर में, ऐसा विवाह है ही नहीं, और नो राइट्स एंड नो लायबिलिटी क्रिएटेड, हस्बैंड और वाइफ के कोई अधिकार और दायित्व सृजित नहीं होते। वॉइडेबल मैरिज, वॉइड के साथ एक और शब्द आता है वॉइडेबल, यानी शून्य करणीय विवाह। तो वॉइडेबल विवाह वह विवाह होता है जो वैलिड भी हो सकता है और वॉइड भी हो सकता है, खड़ा सिक्का। यदि पार्टी को आपत्ति है तो न्यायालय में याचिका लगा के उस विवाह को शून्य करवा सकता है, और यदि पार्टी को आपत्ति नहीं है उस विवाह से तो उस विवाह को कंटिन्यू चलने देता है, तो ऐसा वैलिड भी हो जाता है। तो ये वैलिड भी हो सकता है और वाइड भी हो सकता है, इसीलिए इसको वॉइडेबल मैरिज कहा जाता है। एडॉप्शन शब्द भी हम लोगों ने कई बार सुना है, एडॉप्शन को दत्तक ग्रहण कहते हैं, गोद लेना, दत्तक ग्रहण मतलब गोद लेना। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है जब जो पेरेंट्स हैं मतलब जो विवाह के बाद भी संतानहीन होते हैं, संतानहीन मतलब संतान उत्पत्ति नहीं हो रही किसी भी कारण से, तो ऐसी स्थिति में अपने वंश को बढ़ाने के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे का बच्चा ले लिया जाता है, इस लेने की प्रक्रिया को गोद लेना बोलते हैं। पुत्रत्व का, पुत्र और डॉटर को लेना किसी और से, डोनेट, कोई व्यक्ति डोनेट कर रहा है और एक व्यक्ति एज अ डोनी ले रहा है, इसको एडॉप्शन कहा जाता है। एडॉप्शन भी एक पारिवारिक विधि का महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। कॉन्जुगल राइट्स वर्ड भी हम कई बार सुनाई में आता है, कॉन्जुगल राइट यानी दाम्पत्य अधिकार।
दाम्पत्य जीवन में कुछ अधिकार होते हैं जब भी पति पत्नी का जब विवाह होता है, मतलब दो हस्बैंड और वाइफ जब बन जाते हैं तो आपस में कुछ एक नया लाइफ स्टार्ट होती है, इसको दाम्पत्य जीवन बोलते हैं। दाम्पत्य जीवन यानी डोमेस्टिक लाइफ, और यह विवाह का यह लाइफ का प्रारंभ होती है आफ्टर मैरिज, यानी मैरिज के पहले दाम्पत्य जीवन नहीं होता है, विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन अराइज हो जाता है। कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, ये कई बार सुनते हैं कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन का केस लगा है, तो कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन का केस तब होता है जब पति और पत्नी डाइवोर्स ले लेते हैं, तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो बच्चा है वो किसके पास रहेगा, पति के पास रहेगा कि पत्नी के पास रहेगा। तो कस्टडी के केस भी कई बार न्यायालय में लगते हैं, फैमिली कोर्ट में, इसको डाइवोर्स के समय, सेपरेशन के समय कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन में बालकों की अभिरक्षा के वाद भी दाखिल होते हैं। डिवोर्स डिग्री, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, डिवोर्स डिग्री हो गई। डिवोर्स डिग्री मतलब जब विवाह के बाद दोनों के बीच में मानसिक या मानसिक रूप से तालमेल नहीं बैठता है, दोनों के बीच में विचारों का सामंजस्य नहीं बैठता है, और दोनों के बीच में एक प्रकार से डिस्प्यूट और डिफरेंसेस, मतभेद इतने हो गए हैं कि साथ रहना मुश्किल है, तो न्यायालय में कोई भी पार्टी तलाक की डिग्री का आवेदन दे सकती है, और न्यायालय विवाह को जो डिसॉल्व कर देता है यानी विवाह को जो समाप्त कर देता है, उस डिग्री को बोला जाता है डिवोर्स डिग्री। तो जिस प्रकार विवाह से संबंध क्रिएट होते हैं वैसे डिवोर्स से संबंध विघटित हो जाते हैं। तो दीज आर दी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन दी फैमिली एरियाज। आई थिंक यू एंजॉयड दिस लेक्चर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लॉइजी।